पावर इन सोसाइटी डिवाइडेड इनटू फाइव कैटेगरीज़ पावर की मेजर फाइव टाइप्स या फिर इसको हम कैटेगरीज भी कह सकते हैं काइंड्स भी कह सकते हैं या फिर फेजिजल सोर्स भी जिनकी वजह से हम पावर को डिफ्रेंश करते हैं कि हमारी सोसाइटी में पावर किन किन लेवल्स पर पाई जाती है फर्स्ट वन हमारे पास जो टाइप है पावर की इसको हम कहते हैं क्रेसिव पावर अब ये वो पावर होती है जिसमें हम किसी भी पर्सन को हमारे पास इतनी अथॉरिटी मौजूद होती है कि हम किसी भी सामने वाले पर्सन को अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए इसको हम पनिश कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस के जब हम एज आ एम्प्लॉय किसी के पास काम कर रहे हैं और हम अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं सर अंजाम दे सकते तो उस टाइम पर जो हम हमारा बॉस है या फिर जो हमें इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो हमारा इंस्ट्रक्टर है वो हमें उस पर पनिश कर सकता है उसके पास ये अथॉरिटी मौजूद है नेक्स्ट है एक्सपर्ट पावर एक्सपर्ट पावर वो पावर होती है कि हमारे ये नॉलेज बेस्ड पावर है कि एक पर्सन किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होता है तो वो अपनी बात को सामने वाले पर्सन को समझाने की पावर रखता है बिकॉज ऑफ नॉलेज के उसके पास इस चीज़ का इस फील्ड का नॉलेज जो है वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है अब इस किस्म की जो पावर है एक्सपर्ट पावर लाइक हम अगर हम कंप्यूटर की उसमें ले लें तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं सॉफ़्टवेयर इंजीनियर होते हैं उनके पास जो नॉलेज होता है जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जो नॉलेज होता है मरीज़ के मुकाबले में वो ज़्यादा होता है एक्सपर्ट पावर जो है वो नॉलेज पर बेस होती है कि हम अपने नॉलेज को पावरफुल साबित करके यानी एज अ टूल ऑफ़ पावर यूज़ करके सामने वाले पर्सन को हम जो है वो इम्प्रेस कर सकते हैं या उसको हम अपने अपने अकॉर्डिंग अपने जो हमारे हमारा बेसिक एम है उसको अपने अकॉर्डिंग उनसे उसको फुलफ़िल करवा सकते हैं अब नेक्स्ट टाइप थर्ड टाइप पावर की मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेफरेंट पावर अब रेफरेंट पावर जो है वो हमारी पर्सनैलिटी के साथ रिलेट करती है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इस कदर इफेक्टिव होती है कि हम सामने वाले पर्सन को उससे अट्रैक्ट कर सकते हैं हम जो वर्ड बोलते हैं हमारा जो ड्रेसिंग uh, स्टाइल होता है हमारे वे ऑफ टॉकिंग होता है सब कुछ ईच एंड एवरी थिंग इम्प्रेस करता है सामने वाले पर्सन को इसमें हम अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ uh, को ले सकते हैं हम लीडर्स को ले सकते हैं कि एक लीडर जो है वो उसके जो बोलने का स्टाइल होता है उसकी स्पीच होती है वो किस तरह सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करती है लीडर्स के बारे में ये कहा जाता है कि एक गुड लीडर तभी बनता है कि जब वो उसकी जो स्पीच होती है वो लोगों को इस कदर अट्रैक्ट करती है कि वो अपनी स्पीच अपने वर्ड्स के थ्रू लोगों से एक्ट करवा लेता है तो रेफरेंट पावर जो है वो हमारी सोसाइटी में इस इस इन्हीं लेवल्स पर पाई जाती है कि जब हम सामने वाले पर्सन से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं उसकी फिजिकल अपेरेंस की वजह से यानी कि वो चीज़ें जो वो खुद कहकर लोगों से नहीं करवाते बल्कि हम उनकी पर्सनैलिटी से इस चीज़ को ऑब्जर्व करके उन्हें अडॉप्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लिस्ट मेड पावर सबसे पहले हम रिवॉर्ड पावर करते हैं देन हम लिस्ट मेड पावर को डिस्कस करेंगे रिवॉर्ड पावर वो पावर होती है कि जब आप किसी भी पर्सन को उसके अच्छे काम पर कोई रिवॉर्ड देते हैं उसको कोई गिफ्ट देते हैं उसको उसको मतलब उसको इंक्रेज करते हैं तो इस पर जब आपने उसको कोई रिवॉर्ड दिया उस, उसको 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 प्रमोशन दे दी उसको अगर स्टूडेंट हैं तो वो बच्चों को पावर गुड uh, दे देते हैं कि अगर उसने कोई काम किया तो उन, उनको लाइक like, जैसे स्टूडेंट टीचर्स uh, होते हैं वो उनको स्टार्स वगैरह बच्चों को बना देते हैं उनके फेस पर उनकी बुक पर इस तरह दे देते हैं तो इस तरह क्या है कि वो इस तरह बच्चों को ना अपने अंडर कर लेते हैं कि उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो उनसे इम्प्रेस होते हैं और उन, उनके अंदर मज़ीद आगे जो है वो काम करने की जो मतलब ख्वाहिश होती है वो पैदा होती है कि वो आगे मजीद और अच्छे काम करेंगे और इस तरह इसको हम सिर्फ जो है वो पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं अब है लिस्ट मेड पावर लिस्ट मेड पावर जो है वो जितनी भी पावर्स हैं वो इन सब की एक रूट कॉज है या फिर इसको हम तमाम जो पावर्स हैं उनको इसके अंदर लेट सकते हैं इसके अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल के तौर पर लें कि ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक अथॉरिटी होती है किसी भी पर्सन के पास कि वो मैनेजर है तो वो किसी को भी कोई भी प्रोजेक्ट असाइन कर सकता है क्योंकि उसके पास इस चीज़ की अथॉरिटी है जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी सिटीज़न को किसी भी टाइम पर बुला सकता है कि अगर उस पर कोई क्लेम है एक टीचर है वो किसी भी स्टूडेंट को जो है वो असाइनमेंट दे सकता है होमवर्क दे सकता है क्यों क्योंकि उसके पास ये अथॉरिटी है और उसको ये काम करने के लिए कहा गया है और वो ये काम सामने वाले पर्सन से करवा सकता है अथॉरिटी की बेस पर इसमें हम स्टेट को भी ले सकते हैं कि एक स्टेट है जिसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट चल रहे होते हैं जैसे लॉ का इंस्टीट्यूट है इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं हैं तो यही सब कुछ के हमारे पास एक मतलब एक लीगल फॉर्म में हमारे पास आ जाती है एक पावर कि जिससे हम सामने वाले पर्सन से अपनी पावर को यूज़ करते हुए काम करवा सकते हैं